सावन महीने के तीसरे सोमवारी को लेकर सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम से हजारों की संख्या में कांवड़िया पवित्र गंगा जल भरकर बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। मलमास सावन होने के कारण देश के विभिन्न राज्यों से कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला अनवरत जारी है। बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश और नेपाल से आए कांवड़ियों ने दिव्य तीर्थ यात्रा में भाग लेने के लिए सुल्तानगंज गंगा घाट पर एकत्र हुए और गंगा स्नान कर पैदल कांवड़ यात्रा शुरू की। इस दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया और बोलबम और हर हर महादेव के नारों से गूंजता रहा। भक्तों के लिए सावन का महीना, विशेष रूप से तीसरा सोमवार, बहुत महत्व रखता है, क्योंकि उनका मानना है कि इस दौरान बाबा भोलेनाथ उनकी सभी इच्छाएं पूरी करती है। उमस भरी गर्मी के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ और दिन चढ़ने के साथ ही कांवड़ियों की संख्या भी बढ़ती चली गई। तीसरे सोमवारी को लेकर सुबह से ही अजगैबीनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ को जलार्पण करने के लिए शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इधर सुल्तानगंज में बढ़ते हुए भीड़ और गंगा के जलस्तर में हो रही वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। SDRF टीम की सहायता से गंगा घाट की बैरिकेडिंग की गई है, जिससे किसी प्रकार की घटना को टाला जा सके। वहीं अधिकारियों के द्वारा लगातार कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए भी मॉनिटरिंग की जा रही है। हर हर महादेव, जितने भी भक्तगण हैं सबके लिए, देवों में देव महादेव और महादेव महात्मा नाम महायोगी महेश्वर महापाप हरण चैव माँ का राय नमः शिवा। और ये जो है महा मलेमास का पुरुषोत्तम मेला जो चल रहा है, बहुत ही अच्छा मेला चल रहा है। इसको जो है ना कोई ये नहीं समझ रहा है कि ये अक्षम है, नहीं, सब कह रहा है सक्षम है। कहाँ के आज ये कांवड़िया जो ये जो है अभी MP से आए हुए हैं, राजस्थान से आए हुए हैं, UP से आए हुए हैं, बिहार से भी आए हैं कुछ लोग, कुछ झारखंड से भी आए हुए हैं, गिरिडीह से भी आए हुए हैं। बरसात के मौसम में शहर के दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को आवागमन के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। सड़कों पर नाले का गंदा पानी हमेशा बहता रहता है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार वार्ड पार्षद, मेयर और नगर निगम के अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया, लेकिन अब तक उसका कोई समाधान नहीं निकला। कहने को तो भागलपुर स्मार्ट सिटी है, लेकिन शहर के दक्षिणी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी योजना का लाभ अब तक नहीं मिल पाया। सोमवार को भागलपुर नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने गुहट्टा चौक से शीतला स्थान होते हुए भोलानाथ पुल तक नाले का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मेयर ने कच्चे नालों और सड़क पर बह रहे नाले के गंदे पानी को लेकर चिंता जताई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी इस मार्ग से गुजरने में होने वाली परेशानियों से मेयर को अवगत कराते हुए इसका समाधान करने की मांग की। वहीं मेयर ने स्थानीय लोगों को जल्द से जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। दरअसल वार्ड संख्या 45, 46, 47, 48, 49, 50 और 51 के लोगों को शहर में प्रवेश के लिए मुख्य मार्ग है। यहाँ हमेशा जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। निरीक्षण के दौरान डिप्टी मेयर सलाउद्दीन ऐशम, वार्ड 45 के पार्षद धीरज कुमार, 46 की पार्षद रूपा देवी, 48 की पार्षद कुमारी कल्पना, वार्ड 49 के पार्षद प्रतिनिधि दीपक कुमार शाह सहित वार्ड 50 के पार्षद पंकज कुमार एवं 51 के पार्षद प्रतिनिधि शशि मोदी मौजूद थे। हम गुरहट्टा चौक से शीतला स्थान तक निरीक्षण करने के लिए आए थे। इसमें बहुत समस्याएं थी, बहुत सारा शिकायत था कि लोग जब चलते हैं तो गिर जाते हैं, और बारिश जब थोड़ी सी भी बारिश होती है तो बहुत पानी जम जाता है, और उसमें लोग नाले में गिर जाते हैं, रोड पे गिर जाते हैं। देखेंगे क्या समस्या है। इसमें हमने पाया कि बुटको वाले जो पाइप डाले हैं, एक तरफ डाले उसका भी एनओसी उन्होंने लिया, लेकिन रोड सही से नहीं बनाया, और दूसरे तरफ जो इन्होंने पाइप डाला है उसका NOC ही नहीं लिया RCD वालों से। तो RCD वाले इंजीनियर को भी हमने बुलाया था, और अमित जी जो बुटको के इंजीनियर है उनको भी बुलाया था। तो दोनों का जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा, समन्वय नहीं बनेगा, तो प्रॉपर काम नहीं हो पाएगा। तो दोनों को बुलवा के हमने निरीक्षण किया, तो अभी जो स्थिति है उसमें यही होगी कि जो पाइप बुटको वाले ने डाला है उससे ब्लू पाइप हर घर नल योजना के तहत जाएगा,
जब ये पाइप निकल जाएगा फिर उस पर ढलाई हो जाएगी प्रॉपर। और नाला जो बनना है वो नाला आरसीडी वाले बनाएंगे, पीडब्ल्यूडी वाले बनाएंगे या निगम बनाएगी, इसका मैं विभाग से बात करती हूँ। जैसे मुझे पता चलेगा, यदि निगम को बनाना है तो निगम से बनेगा, जिससे बनना है वो बनेगा। जब गोलहट्टा चौक से शीतला स्थान तक आए तो यहाँ की स्थिति बहुत जर्जर है, और यहाँ के जनता का कहना है कि जब वर्षा होती है तो यहाँ बहुत सारे हादसात एक्सीडेंट होते हैं, उम्रदराज आदमी ज़मीन पर गिर जाते हैं, तो समस्या बहुत बड़ी है। और इस समस्या का निदान हुडको हो या पीडब्ल्यूडी हो या आरसीसी हो, जो भी ये कर रहा काम, उसमें कुछ डिले हो रहा। अगर इस काम को समय रहते हुए अगर पूरा कर लिया जाए तो हम समझते हैं यहाँ की जनता को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। भागलपुर के सुल्तानगंज बाग थाना क्षेत्र में मां की पिटाई से आक्रोशित इंटर की छात्रा ने पंखे से झूलकर अपनी जान दे दी। घटना रविवार देर शाम की है। वहीं घटना को लेकर मृतक छात्रा के दादा ने बताया कि मेरी पोती की मानसिक स्थिति कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, जिसके कारण रविवार की शाम उसकी मां ने किसी बात को लेकर पोती की पिटाई कर दी। उन्होंने बताया कि जिसके बाद पोती किसी को बिना बताए छत पर बने कमरे में चली गई, जहाँ उसने पंखे से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतका छात्रा के दादा ने बताया कि इस वर्ष उसने मैट्रिक की परीक्षा पास कर इंटर में नामांकन कराया था, लेकिन पढ़ाई में कमजोर होने के कारण वह हमेशा परेशान रहने लगी थी। इधर घटना की जानकारी परिजनों ने बाद थाना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। संतुलन खराब हो गए, मार लगे में यहाँ चार में चार दू दू तीन चार रोजा बस में ये लटका के आरो खत्म हो गया। सपना कुमारी हाँ घर में दू माला पंखा ये रिलेशनशिप में गई थी, ठीक है, दो चार दिन पहले घूमने के लिए, ठीक है ना, एक चारी वहाँ से आ रही थी ट्रेन से, ट्रेन से उतरने के क्रम में वो गिर चुकी। अच्छा, उतरने के क्रम में? जी जी। कौन सा ट्रेन से आ रही थी ये? तो हम तो थे नहीं, वो घर पे थे, ठीक है, जीआरपी लोग ही बताए हम लोग को, ठीक ना, वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन थे वे लोग बताए। भागलपुर की पूर्व मेयर डॉक्टर बीना यादव और एमएलसी डॉक्टर एनके यादव ने भागलपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी है। इस युग में जहां बच्चे अपने परिजनों से मिल नहीं पाते या किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका दाह संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन अब उनकी अंतिम विदाई से पहले वह मिल पाएंगे। दरअसल मृत्यु होने के बाद भी 4 से 5 दिनों तक सबको सुरक्षित रखा जा सकता है। सोमवार को डॉक्टर बीना यादव और डॉक्टर एन के यादव ने स्वर्गधाम नाम के शव वाहन की सुविधा शहरवासियों को दी है। स्वर्गधाम के उद्घाटन पर डॉक्टर बीना यादव ने कहा कि कई ऐसे लोग हैं जो अपनों से दूर रहते हैं और उनकी मृत्यु के बाद भी उनको एक बार भी देख नहीं पाते। इसको देखते हुए इस सेवा की शुरुआत की गई है, जहां मृत्यु के बाद भी 5 दिनों तक सबको सुरक्षित रखा जा सकता है और परिवार के लोग उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। इस मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। ये हेवेन स्कूल ये नाम है जिसका स्वर्गधाम बोला जाता है। मानव कर्म से महान होते हैं, जन्म से महान नहीं होते। अपने कर्मों के प्रति हमेशा ही जागरूक रहना चाहिए। और इस तहत शहरवासी को समर्पित मृत्योपरांत जिस तरह सब वाहन के लिए हम सोचे, मृत्योपरांत के लिए गाड़ी नहीं मिलती है तो सब वाहन का पहले शुरुआत की, उसके बाद जिसके बाल बच्चे बाहर रहते हैं और माता हो पिता हो उनका स्वर्गवास हो जाता है, तो शायद रखने में कड़ाके की धूप रहे या बारिश रहे, कैसे रखा जाए। पहले था बर्फ का सिल्ली कि बर्फ के सिल्ली में रखा जाएगा, लेकिन फिर भी वो बहुत असंभव बुझाया। बर्फ कहाँ से लाया जाए, बुरादा कहाँ से लाया जाए, ये हेवेन स्कूल इसका नाम रखे हैं, ताकि जो ज़रूरतमंद है, जिसके बच्चे बाहर हैं, आजकल का ये कलयुग है कि जीवित रहते हुए भी माँ और बच्चे में
भेंट नहीं हो पाती है। और ये हेवन सील ऐसा है, स्वर्गवास ऐसा है कि आप माता पिता जो भी है इनको आराम से आप रखिए, कोई सड़ेगा गलेगा पचेगा नहीं, और फिर उनके बच्चे आएंगे, जो भी उनके परिजन हैं वो दर्शन करेंगे। सुल्तानगंज श्रावणी मेला में वाहन पार्किंग के दौरान कांवरियों को फर्जी पार्किंग रसीद देने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर स्थानीय अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। दरअसल मामले को लेकर मसदी स्थित पार्किंग के कर्मचारी तुलसी यादव ने बताया कि सोमवार को कांवरियों से भरी गाड़ी मसदी पार्किंग में पहुंची, जिसके बाद कर्मी ने गाड़ी चालक को पार्किंग शुल्क देने की बात कही। वहीं वाहन चालक ने कमरगंज मस्जिद के बीच पार्किंग रसीद कटा लेने की बात कही, जिसके बाद जांच करने पर रसीद फर्जी पाया गया। वहीं कर्मी के द्वारा मामले की सूचना सुल्तानगंज पुलिस और बीडीओ को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष ने कांवड़ियों से डुप्लीकेट पार्किंग रसीद के बारे में पूछताछ की और कांवड़ियों को छोड़ दिया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पार्किंग के नाम पर फर्जी रसीद काटने वालों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरे राज्य में सभी जिला मुख्यालय पर नीतीश सरकार के खिलाफ 24 जुलाई से हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। सोमवार को सर्किट हाउस में भाजपा युवा मोर्चा भागलपुर जिला अध्यक्ष चंदन ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। चंदन ठाकुर ने कहा कि सुल्तानगंज अगवानी में गंगा नदी पर बन रहा पुल ताश के पत्तों की तरह ढह चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले पर अपनी चुप्पी साध ली। चंदन ठाकुर ने निर्माण कंपनी एसपी सिंगला और नीतीश सरकार पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 लाख की नौकरी और 13 जुलाई को पटना में विधानसभा घेराव के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज सहित अन्य मामले को लेकर 24 जुलाई से 8 अगस्त तक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर अभियान का उद्देश्य लोगों का समर्थन जुटाना है और सरकार के कार्यों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता लाना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित ट्विंकल, सुधाकर सोनू, रोहित कुमार, सिद्धार्थ सोलंकी सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है वो मुख्यतः नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान, जो यह पूरे बिहार में यह अभियान शुरू किया जाएगा 24 जुलाई यानी आज से 8 अगस्त तक। यह निरंतर यह अभियान भारतीय जनता युवा मोर्चा हर एक मंडल, हर एक प्रखंड, हर एक जिला में चौक चौराहे पर युवाओं को जन जन जागृत करके करेगा। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हस्ताक्षर करके हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे दुर्गेश जी के द्वारा पटना कार्यालय में किया गया है। मुख्यतः जिस प्रकार से नीतीश सरकार ने हमला किया, अभी जो हम लोग शांतिपूर्ण कार्यक्रम कर रहे थे पटना में, भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया नीतीश सरकार के द्वारा, उसमें हमारे जहानाबाद के एक कार्यकर्ता की शहादत हो गई, महामंत्री हमारे थे जहानाबाद से, और न जाने कितने माताओं के ऊपर लाठी बरसाया गया और भी कितने कार्यकर्ताओं को बेरहमी से मारा गया। तो ये जनरल डायर की नीति लोकतांत्रिक देश में नहीं चलेगी। भागलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से सोमवार को जगदीशपुर प्रखंड के सनौली पंचायत में विधिक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान ग्रामीणों को उनके मौलिक अधिकार एवं बच्चों के अनुकूल कानूनी सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। दरअसल 9 सितंबर को भागलपुर व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता के लिए जागरूक किया जा रहा है। कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता फरहत जमीवानो, पाराविधिक प्रशांत राय, सनौली पंचायत के मुखिया मोहम्मद मरगू, वार्ड सदस्य खुर्शीद आलम सहित कई लोग मौजूद थे।